नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलिंग फ्राई। बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी टास्क सबसे जरूरी है क्योंकि इससे कंटेस्टेंट को इम्यूनिटी मिल जाती है और वह नॉमिनेशन से सुरक्षित हो जाता है। अब तक बिग बॉस 14 में अली गोनी कैप्टन थे, लेकिन अब बिग बॉस ने कैप्टेंसी के लिए नया टास्क दे दिया है। इस टास्क में रवीना ब्लैक और राहुल बैद के बीच झगड़ा हो जाता है। दरअसल टास्क दौरान राहुल बैद अभिनव शुक्ला को रवीना का चमचा बोलते हैं। इसके बाद अभिनव और राहुल के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद राहुल अभिनव को रवीना का फ्री का वकील बताते हैं और कहते हैं कि अभिनव पहले दिन से रूबी रूबी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं कहते हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रवीना राहुल पर भड़क जाती है। रवीना राहुल से कहती है कि जो तंज मत मारा करो, मैं अगर मजाक हूँ तो तुम मुझे शिक्षिका बोल रहे हो, तो इसका मतलब तुम अपने सारे गुरुओं का मजाक बना रहे हो। वहीं राहुल बोलते हैं अगर हिम्मत होती तो दोनों अकेले खेलते, साथ में नहीं होते। इस पर रवीना बोलती है कि तुम सिर्फ मुझसे बात करो। बता दें कि शो में राहुल और रवीना को अक्सर शिक्षिका कहकर बुलाते हैं। टास्क का नाम था एक था राजा एक थी रानी। टास्क में रवीना दलैक और राहुल बैद एक दूसरे के विरोधी थे। घर के बाकी सदस्य वर्कर थे। इन वर्करों को दोनों के लिए काम करना था, लेकिन उसके बदले वो मनचाही रकम ले सकते थे। रवीना और राहुल को किंग और क्वीन बनाया गया। राहुल और रवीना को वर्कर से हार्ट्स बनवाने थे। ब्लैक हार्ट्स राहुल के और रेड हार्ट्स रवीना के थे। वर्कर्स को हार्ट्स बनाने और रोकने का काम करना था। ये टास्क राउंड्स में था। टास्क के आखिर में जो ज्यादा राउंड्स जीतता वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगा। इसके साथ वर्कर्स में से जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो भी कैप्टेंसी के लिए दावेदारी हासिल कर सकता था। अब कौन बनेगा घर का अगला कैप्टन, ये बात देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।